नमस्कार, मी भीमराव लोणारे आयबीएम टीव्ही 9 मध्ये स्वागत करीत आहे. बातम्यांचा शोध घेणाऱ्या आयबीएम टीव्ही 9 मध्ये आज बघूया एक विशेष बातमी. कुकुमारवा, मैं आज ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं. आज जो हमारे देश के अंदर में हमारे ट्रांसपोर्ट वालों की हालत इतनी खराब हुई पड़ी है, देश के अंदर में माल नहीं होने की वजह से, इंडस्ट्री पूरी बंद होने की वजह से इतनी देश की हालत, ट्रांसपोर्ट वालों की हालत खराब हो चुकी है कि जिसके अंदर में गाड़ी वालों को आज 10-10, 15-15 दिन से माल नहीं मिल रहा है, गाड़ियाँ खड़ी है, लेबर को काम नहीं मिल रहा है. गाड़ी वालों के लिए टैक्स इन्होंने इतना बढ़ा दिया, इंश्योरेंस इतनी बढ़ा दी है. पहले इन्होंने नोटबंदी किया, बाद में GST लगा दिए, जिसके अंदर में हमारे ट्रांसपोर्ट वालों का व्यापार नहीं होने की वजह से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी नहीं जा रही है. फाइनेंस वाले दिन ब दिन गाड़ी वालों को परेशान करते जा रहे हैं, उसके बाद में गाड़ियां पकड़ के ले जाते हैं, पकड़ने के बाद में गाड़ी वालों को उल्टा सीधा उनके ऊपर में झूठे मूठे केस डलवाते हैं. तो हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के पीछे उन्होंने जो भी परेशानियाँ चल रही है उसको दूर करना चाहिए, पर हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के पीछे कोई किसका ध्यान नहीं है. आज महाराष्ट्र के अंदर में 24 अक्टूबर को चुनाव की गिनती हो चुकी है, उसके बाद में आज तक महाराष्ट्र के अंदर में गवर्नमेंट नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से भी आम आदमी को, आम जनता को, आम धंधे वालों को, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अगर गवर्नमेंट बैठेगी तो कोई भी व्यापारी को या ट्रांसपोर्टर को या कोई भी रोज कमाने वाले खाने वाले को 2 पैसे की इनकम होंगी, कमाई होंगी. गवर्नमेंट ही नहीं बैठ रही है, इसकी वजह से हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जनता ने उनको चुन के लाया, जनता की भी उन्होंने आवाज़ सुनना चाहिए, और उसके बाद में इन्होंने जो भी आमदार जो चुन के आए हैं, जनता ने चुन के ला के दिया है, उन्होंने सबकी आवाज़ सुन के इन्होंने जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट बना लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन यहाँ से हटा देना चाहिए. बार बार चुनाव होने से आम आदमी को, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि करोड़ों रुपए का रोज का खर्चा है, इलेक्शन में खर्चा होता है, इनको उसकी कोई परवाह नहीं है. ये आपसी में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं. मेरा ये कहना है कि इनको जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन बना के महाराष्ट्र में कोई भी सरकार बने, इन्होंने को सरकार बनाना चाहिए. ट्रांसपोर्टों की हालत ये हो गई है, माल नहीं होने की वजह से ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों का चोली दामन का साथ है. अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो ना ट्रांसपोर्ट चलेगा ना व्यापारी चलेगा. दिन पे दिन नौकरियां जाती जा रही है, व्यापार है नहीं है. डीजल का रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इंश्योरेंस बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं. हमारा जो ट्रांसपोर्ट का ट्रेड है, ये जो है एडवांस में टैक्स भरता है, बाद में गाड़ी रोड पे चलती है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है. आज एक गाड़ी 35 लाख 40 लाख का ट्रक होता है, वो ट्रक जब रोड पे चलता है, चलने के बाद में उसको 2 पैसे कमाई नहीं होती है, चलने के बाद में कमाई नहीं होने की वजह से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं जाती है, तो उसकी वजह से हमारे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. और जो भी थोड़ा बहुत जो माल निकलता है वो रेलवे कंटेनर से चला जाता है और ट्रक वालों को माल नहीं मिलता है. कारण ये है कि आज शहर में और शहर के आजू बाजू विदर्भा में ग्रामीण में कईयों लेबर, हजारों लेबर भूखे मरने की नौबत आ गई है, जो रोज के कमाना रोज खाना पर उनको कोई काम नहीं मिलने की वजह से आज ये हालत हो गई है कि लूटामारी होने की नौबत आ गई है. ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही पूरा देश चलता है. अगर ट्रांसपोर्ट रुक गया तो पूरा देश रुक जाएगा. ये रीढ़ की हड्डी अगर ये टूट गई तो पूरा देश रुक जाएगा. ट्रांसपोर्ट के आज ट्रांसपोर्ट वाला जो भी रोड पे चलता है, आज ड्राइवर देख लो, ड्राइवर को खाने को पैसे नहीं है, उसको तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, उनको बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, मकान का किराया देने के लिए नहीं है. जो भी उनके पास में पैसे थे या मकान था, जो भी था, गाड़ी वालों ने अपना गिरवी रख के गाड़ी वालों की किस्त भरी, उसके बाद में भी आज ये टाइम आ गया है कि गाड़ी वालों के पास में इतनी परेशानी आ गई है कि किस्त भरने को पैसे नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी है, टायर इतने महंगे हो गए हैं, तो अभी हमारी सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है. हमारा मोदी जी से ये कहना है कि हमारे व्यवसाय की तरफ ध्यान देना चाहिए और गाड़ी वालों के पीछे भी उन्होंने कुछ. महाराष्ट्र में कितने ट्रांसपोर्ट धारक होते हैं? महाराष्ट्र में कम से कम मेरे आइडिया से होंगे 20 से 25 हजार ट्रांसपोर्ट होंगे. और इंडिया में? इंडिया में तो लाखों के हिसाब से होंगे. तो क्या ये सभी ट्रांसपोर्ट धारक क्या परेशान है? बहुत परेशान है ये. कम से कम जब से नोटबंदी और GST लगी बहुत परेशान है ये. आज बुकिंग नहीं हो रही है. आज व्यापारी, कोई व्यापारी खुल के काम नहीं करने को तैयार है. जो भी चाहता है कि भैया किसके लिए काम करना, काम करेगा भी तो क्या करेगा. और दुकान के अंदर पे कोई ग्राहक ही नहीं आता है. सुबह आता है, अगरबत्ती लगाता है, बैठता है, शाम को घर चला जाता है. दुकान के अंदर में उनके नौकर चाकर है, सब कुछ है. महीने की 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया उनकी पेमेंट है, वो नहीं निकल रही है. ऐसे से कई दुकानदार अपना धंधा बंद करने की नौबत पे आ गए. क्या लगता है आपको कि नोटबंदी के बाद जो ये ट्रांसपोर्ट जो व्यवसायी है उनमें जो मंदी का दौर चल रहा है,
क्या लगता है आपको इस पे सुधार लाने के लिए मोदी जी ने क्या करना चाहिए, या अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बैठे तो क्या करना चाहिए? महाराष्ट्र में गवर्नमेंट अगर बन गई, महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। देश के अंदर में अगर मोदी जी ने चाहिए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मोदी जी एक ऐसे आदमी है, ताकतवर आदमी है, मोदी जी के अंदर में इतनी क्षमता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी ने हमारे ट्रांसपोर्ट वाले के पीछे नहीं, पूरे धंधे वालों के पीछे ध्यान देना चाहिए। आज धंधा ऐसा होते जा रहा है, ट्रक वालों की गाड़ियों की किस्त नहीं, ये नहीं, वो नहीं, परेशानी का धंधा करना इतना आ रहा है। मोदी जी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मोदी जी चाहे या अमित शाह चाहे, नितिन गडकरी चाहे, सब कुछ हो सकता है। पर ये ध्यान देना चाहिए इन्होंने कि भैया आज गाड़ी वाले इतने परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, इनसे पूछना चाहिए। कोई आवाज पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी यूनियन है, आपकी यूनियन कभी इन नेताओं से मिली? हमारी यूनियन बहुत बार नेताओं से मिली है। हमारी यूनियन ने विधानसभा में मोर्चे निकाले, सब कुछ करे, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आज हमारा तो ये हाल है, तो भी हम तो चलो बात करते कुछ भी है। जो आम जनता आज उनकी सुनवाई नहीं है, आज घर में कईयों के तो चूल्हे नहीं जलते। आज ये हाल है कि खाने खाने को मोहताज हो गए हैं। तर प्रेक्षकांनो, ही होती आजची बातमी। पुन्हा भेटूया एका विशेष बातमी सोबत। तर IBM TV9 ला सबस्क्राइब करा, लाइक करा, हाँ बेल दाबण्यास विसरू नका। विविध बातम्या बघण्यासाठी www.ibmtv9 या वेबसाइटला भेट द्या। धन्यवाद।